मैं दुर्गेश जायसवाल। आज हम लोग ज्योग्राफी की स्लाइड शुरू करते हैं जो आपकी सही परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और जीएस के दृष्टिकोण से भी इसका महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। और ज्योग्राफी शुरू करने से पहले मैंने जो शुरू किया, जो मैंने पहला टॉपिक का चयन किया है, वह है मोशंस ऑफ द अर्थ, माने पृथ्वी की गतियाँ। तो वह पृथ्वी की कुछ गतियाँ हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। यहाँ से प्रश्न कैसे बनते हैं इसके बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग। तो दोस्तों, पृथ्वी पे दो प्रकार की गतियाँ होती हैं। पहले हम लोग ये मान लेते हैं, क्या पृथ्वी घूमती है? तो अगर घूमती है तो हम आप क्यों नहीं घूमते? इसके लिए दिन रात का होना, मतलब दिन और रात का होना, यह बात बताता है, यह इससे एक बात विदित होता है कि वास्तव में पृथ्वी घूमती है या चक्कर लगाती है। फिर प्रश्न उठता है, पृथ्वी घूमती है तो हम और आप क्यों नहीं घूमते या हमारे घर क्यों नहीं घूमते? इसका उत्तर आगे भी मिलेगा, लेकिन फिर भी अभी हम लोग इसके लिए अध्याय पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे ऐसा क्यों होता है। लेकिन फिर भी जानते रहिएगा, पृथ्वी की घूर्णन मतलब परिभ्रमण और परिक्रमण काल का नियमितता होने के कारण हम आप घूमते हुए नजर प्रतीत नहीं पता चलता कि हम पृथ्वी घूम रही है तो हम भी घूम रहे हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि पृथ्वी के साथ हम आप भी घूमते हैं। तो पृथ्वी घूमना एक बात विदित होता है कि दिन रात का होना, मतलब दिन और रात होने से यह स्पष्ट होता है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, क्योंकि सूर्य एक जगह चमकता है। अगर पृथ्वी अपनी धुरी पर ना घूमती तो दिन और रात ना होता। इससे एक बात स्पष्ट हुआ कि दिन रात का होना यह बताता है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। और आगे देखते हम लोग कि पृथ्वी के अपनी धुरी में घूमते हुए सूर्य का भी चक्कर लगाती है। जी हाँ, सूर्य का भी चक्कर लगाती है। यह कैसे पता? भाई, मौसम परिवर्तन होना या मौसम बदलना यह बताता है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के साथ साथ क्या करती है, वह सूर्य का भी चक्कर लगाती है। तो यह दोनों कितने कितने दिन में लगाते हैं यह भी हम लोग पढ़ेंगे। इससे स्पष्ट होता है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य का भी चक्कर लगाती है। अपनी धुरी पर घूमती है तो दिन रात होता है, सूर्य का चक्कर लगाती है तो मौसम परिवर्तन होते हैं। और अच्छा, जहां से सूर्य चमकने के बाद पृथ्वी जिस भाग पे उजाला होता है, एक भाग पर अंधेरा, मतलब एक तरफ दिन और एक तरफ रात, तो जो जहां से अलग होते हैं उसे प्रदीप्त कहते हैं। तो प्रदीप्त वृत्त कहा जाता है, वो भी आगे हम लोग पढ़ेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट करके पढ़ेंगे। तो अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, पृथ्वी की दो गतियां होती हैं। एक होता है घूर्णन, इसके दो और नाम है। घूर्णन को भी कहते हैं हम परिभ्रमण कहते हैं, और इसे दैनिक गति के भी नाम से जानते हैं। इसके नाम है घूर्णन, रोटेशन, इसे परिभ्रमण भी कहते हैं, और परिभ्रमण के बाद एक नाम इसका और है, दैनिक गति भी इसे कहते हैं। तो पृथ्वी की जो दैनिक गति है, मतलब ये प्रतिदिन अपने धुरी पर घूमती है, इसे घूर्णन कहते हैं। और इसका जो घूमने का पूरा समय है वो 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड है। 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड। किंतु इसे सुविधा के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि 24 घंटे में पृथ्वी अपने धुरी पर चक्कर लगाती है। अच्छा, पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है और इसी के साथ दिन और रात होते हैं। लेकिन दिन रात की अवधि में भी हम देखते हैं कभी दिन बढ़ा कभी रात बढ़ी। तो इससे एक बात और स्पष्ट होता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है। फिर प्रश्न उठता है, अक्ष क्या होता है? तो पृथ्वी के बीच की जो घूर्णन होती है उसकी जो काल्पनिक मानक रेखा है उसे हम क्या कहते हैं? देखिए, ये हो गई आपकी, मान लीजिए पृथ्वी, तो ये हो गई आपकी अक्ष, इसको धुरी मान लेते हैं जिसपे घूमती है, ये अक्ष हो गए, एक्सिस, ये अक्ष हो गए, ये अक्ष हो गए दोनों। और ये अक्ष क्या है? इसकी जो कोणी झुकाव है, कोणी वह 23, ये इस तरह से पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है? 23 से ही 1/2 डिग्री। कितनी झुकी है? 23.5 डिग्री। ठीक है, और 23.5 डिग्री झुकी होने के कारण जब ये सूर्य का चक्कर लगाती है, सूर्य के सापेक्ष इसका जो कक्षीय तल होता है, इसके समानांतर जो रेखा गुजरती है, उसका जो कोण होगा वो होगा 66.5/2। तो इसकी जो कक्षीय तल होती है या कक्षीय कोण होता है वो होता है 66.5। जबकि पृथ्वी का अक्षीय झुकाव पूछेगा तो 23.5/2 या 23.5 होता है। तो ये दोनों आपको समझ में आ गया। अब एक एक करके हम लोग इनको पढ़ना शुरू करते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है, जहां से दिन रात का होना होता, जैसे ये हो गया, अगर इधर इधर आपकी सूर्य, ये आपका सूर्य चमक रहा है मान लीजिए, तो आधे भाग पे दिन होगा और आधे भाग पे रात। तो जहां से अलग होते हैं उसे प्रदीप्त कहते हैं। ठीक, फिर हमने देखा पृथ्वी की दिन रात की अवधि में कम और ज्यादा होना यह बात बताता या स्पष्ट करता पृथ्वी झुकी हुई है। कितना? अच्छी झुकाव 23.5 अंश,
और कच्ची झुकाव 66.66 अंश। अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं पहले घूर्णन गति रोटेशन। रोटेशन की वजह से क्या क्या होता है, देखिए पृथ्वी की इसे दैनिक गति भी कहते हैं, इसे परिभ्रमण भी कहते हैं। परिभ्रमण माने पृथ्वी का अपनी दूरी पर एक चक्कर पूरा करना, परिभ्रमण कहलाता है, जिसे रोटेशन कहते हैं। ये 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड होता है, जबकि आम बोलचाल की भाषा में इसे हम 24 घंटे कहते हैं। इससे क्या क्या होता है, दिन रात का होना, दैनिक गति या घूर्णन या परिक्रम परिभ्रमण से क्या होता है, दिन रात का होना। उसके बाद क्या होता है, दिन रात होने के साथ साथ हमारे यहाँ ज्वार भाटा आते हैं, तो जो ज्वार भाटा आते हैं, अर्ध ज्वार भी आते हैं, मतलब जिसे हम लघु ज्वार कहते हैं, लघु ज्वार, उच्च ज्वार, दीर्घ ज्वार, तो ज्वार भाटा जो आते हैं वो पृथ्वी के दैनिक गति की वजह से ही आते हैं। तो इसकी वजह से क्या क्या होते हैं, पहली चीजें तो ज्वार भाटा, ज्वार भाटा आता है, उच्च ज्वार, लघु ज्वार, इसी की वजह से आता है। इसके एक अध्याय पढ़ेंगे, फिर वहां भी हम लोग कुछ और इसके बारे में जानेंगे। और इसके एक चीज और होती है, इसे पृथ्वी जब अपनी धुरी पर घूमती है तो पृथ्वी पर निरंतर हवाएं चलती रहती हैं, तो हवाएं भी अपनी दिशा में क्या करती हैं, घुमाव लेती हैं, मोड़ लेती हैं, तो उस मोड़ को ही कोरियालिस बल कहते हैं। जो अगर इस पूरे पृथ्वी पर हवाओं का वितरण भी अगर हम लोग पढ़ेंगे तो कोरियालिस बल होती है, तो जो कोरियालिस फोर्स होती है वो ये बताती है उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं होती हैं उत्तरी गोलार्ध में, वो अपने कहां घूम जाती हैं, वो अपने दाएं घूम जाती हैं। हवाएं किधर घूम जाती हैं, अपने दाएं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपने बाएं घूम जाती हैं, जिसे हम कहते हैं कोरियालिस बल। तो दैनिक गति की वजह से दिन रात का होना, कोरियालिस बल का कार्य करना, और साथ ही साथ ज्वार भाटा में भी इसका अहम योगदान होता है। तो पृथ्वी की दैनिक गति की वजह से तीन घटनाएं हमें मिली, एक कोरियालिस बल हम लोगों ने पढ़ा, फिर ज्वार भाटा पढ़ लिया, फिर दिन रात का होना पढ़ लिया। अब देखते हैं इसके साथ साथ अब पृथ्वी की वार्षिक गति पढ़ेंगे, इसे हम लोग कहते हैं परिक्रमण। परिक्रमण, परिक्रमा करना माने किसी की परिक्रमा करना, तो परिक्रमण होता है पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर पूरा लगाती है, जैसे हो गई आपकी पृथ्वी, हो गई ये, हो गया आपका सूर्य, ये हो गई पृथ्वी, तो 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड लिख दें हम, 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड में, 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड में पृथ्वी क्या करती है, सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है। एक चक्कर पूरा करते समय कितना समय लगता है, जिसे हम कहते हैं लगभग 365 दिन साधारण वर्ष, जबकि वास्तव में कितना लगता है, 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड। इसे कहते हैं वार्षिक गति। क्या कहते हैं, वार्षिक गति के भी नाम से हम लोग जानते हैं। तो वार्षिक गति से क्या होते हैं, मौसम परिवर्तित होते हैं, उसको भी हम लोग देखते हैं, अभी डायग्राम बना के आपको दिखाते हैं कैसे मौसम परिवर्तित होते हैं, दिन रात का बड़ा होना छोटा होना एक सिरे से हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अभी केवल हम लोग ऊपर से समझते चलते हैं क्या क्या प्रश्न कैसे कैसे बनते हैं। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए जब सूर्य का चक्कर लगाती है, यह बात कैसे स्पष्ट होगा, देखिए पहले तो देखते हैं सूर्योदय हमारे यहाँ पूर्व दिशा में होता है, कहाँ होता है, पूर्व दिशा में। तो सूर्योदय पूर्व दिशा में होता है, प्रतिदिन होता है, तो ये कैसे पता चलेगा कि सूर्य पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ घूमता है। देखिए जब आप बस और ट्रेन में यात्रा करते हैं तो जब बाहर खिड़की की तरफ देखते हैं तो जो पेड़ होते हैं वो पीछे की तरफ भागते हैं, कभी आपने देखा होगा, देखिएगा तो लगता है कि पेड़ पीछे की तरफ भाग रहे हैं, वास्तव में हम आगे जाते हैं लेकिन लगता है कि पेड़ पीछे भाग रहे हैं। उसी प्रकार सूर्य स्थिर है, जब सूर्य स्थिर है तो पृथ्वी क्या है, पश्चिम से पूर्व आती है, और सूर्य कहां से, पूरब से पश्चिम जाता है, जबकि वास्तव में हम पश्चिम से पूर्व आते हैं, इसलिए पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ घूमती है। किधर, पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ घूमती है, जिसे क्या होते हैं, सूर्योदय पूर्व और सूर्यास्त पश्चिम दिशा में होती है। तो वार्षिक गति में क्या होता है, मौसम परिवर्तन होता है, सर्दी गर्मी, हमारे शरद ऋतु, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, जो ये ऋतुएं आती हैं, इसका जो सबसे प्रमुख कारण है वो क्या है आपका, पृथ्वी की वार्षिक गति, जिसे हम कहते हैं परिक्रमण। तो इन सभी के लिए हम एक सिरे से एकदम एग्जाम्पल लेके पढ़ते हैं, तब तक के लिए एक डायग्राम बना लेते हैं, फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं अब पृथ्वी की
वार्षिक गतियां क्या है। देखिए हमने जैसा कि देखा था अभी कि पृथ्वी 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में ये पूरा एक चक्कर लगाती है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एक और लेके चलते हैं। यदि पृथ्वी देखिए अगर ये देखिए अगर मान ली पृथ्वी बना दी हम लोग ने, ठीक, ये होगी पृथ्वी आपकी, जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी अगर 23.5 डिग्री झुकी ना होती तो क्या होता, एक प्रश्न आ जाता दिमाग में, यदि पृथ्वी 23.5 डिग्री अपने अक्ष पे न झुकी होती तो क्या होता, दिन रात की समय अवधि दोनों गोलार्धों में बराबर या समान होती। अब आते हैं अपने डायग्राम पे जो मैंने बनाया आपके सामने। देखिए ये मैंने जो बीच में बनाया सन है, ये हो गया सन, और ये पृथ्वी की वार्षिक गति है जो हमने देखिए ये बना दिया है। और पृथ्वी की जो वार्षिक गति जो पथ है ये भी पूछा परीक्षा में आपके, तो ये है दीर्घवृत्ताकार अथवा अंडाकार पथ होता है। क्या होता है, दीर्घवृत्ताकार अथवा अंडाकार पथ में ये चक्कर लगाती है। चलिए और आगे आते हम लोग देखते हैं। अब ये देखिए ये है मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर, मैंने चार स्थितियां दर्शाई हैं। कितनी स्थितियां, चार स्थितियां दर्शाई हैं। और हम जानते हैं पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा गई है जिसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा, मैंने इसकी वीडियो डाली है आप लोग देख लीजिएगा। भूमध्य रेखा मतलब भूमध्य रेखा पृथ्वी की दो भागों में डिवाइड कर, देखें जैसे मैं आपको यहां बना देता हूं अध्ययन के दृष्टिकोण से, ये हो गई आपकी ये पृथ्वी मान लीजिए, तो बीच से एक रेखा गुजरी 0 डिग्री, इसे कहते हैं भूमध्य रेखा। इसके 23.5 डिग्री ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण में आएंगे मकर रेखा, ऊपर जाएंगे 66.5 डिग्री आर्कटिक और नीचे अंटार्कटिक। तो मैं केवल तीन ही रेखाओं को लिखा हूं, कौन कौन, ये 23.5 डिग्री 0 डिग्री और 23.5 डिग्री, माने कर्क भूमध्य और मकर तीन ही रेखाओं को लेकर ही अध्ययन कर रहे हैं ताकि आपको पढ़ाते समय किसी भी चीज की समस्या ना हो। अब आते हैं हम लोग पृथ्वी की वार्षिक गति समय, सबसे पहले शुरू करते हैं मार्च से। तो 21 मार्च को पृथ्वी की मान लिया यह स्थिति होगी, तो सूर्य किरणें क्या करती हैं, भूमध्य रेखा पर सीधी चमकती है। सूर्य किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी चमकती हैं, तो इसलिए दिन और रात की जो अवधि होती है वह दोनों गोलार्धों में बराबर होती है। क्या होती है, दोनों गोलार्धों में दिन और रात की अवधि बराबर होती है, इसलिए इसे बसंत विषु कहते हैं। अच्छा, जब दोनों गोलार्धों में दिन और रात की अवधि बराबर होती है उसे क्या कहते हैं, विषु कहते हैं। लेकिन इस समय उत्तरी गोलार्ध में ठंडी का दिन होता है और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी, तो दोनों की शुरुआत का जो पॉइंट है वो यही होती है। तो उस समय उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है, बसंत ऋतु, इसलिए इसे बसंत विषु के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, धीरे धीरे सूर्य का क्या होता है, उत्तरायण होता है, उत्तर की तरफ बढ़ना शुरू होता है। ठीक है, कहां से, अब ये भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ बढ़ना शुरू करेगा। जब उत्तर की तरफ बढ़ना शुरू करता है तो यहां पे है 21 मार्च, फिर मार्च के बाद अप्रैल, मई, फिर जून। 21 जून जब आता है तो पृथ्वी की स्थिति ये हो जाती है। इस समय सूर्य कहां, कर्क रेखा पर सीधी चमकती है। देखिए कर्क रेखा आपकी, देखिए ये कर्क रेखा पर सूर्य क्या होता है, सीधा चमकता है। जब कर्क, देखिए यहां पे कर्क रेखा पे, ये कर्क रेखा पे सूर्य किरणें सीधी पड़ रही हैं। देखिए यहां पे जो ये देखिए यहां पे सूर्य किरणें सीधी पड़ रही हैं, तो इस गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध का, देखिए दिन यहां बड़ी है और रात देखिए यहां पे छोटी है। देखिए दिन रात देखिए इतनी बड़ी है और दिन इतना बड़ा, मतलब कि रात की अवधि छोटी है और दिन की अवधि बड़ी। तो हम कह सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा और रात छोटी होती है। अगर उत्तरी गोलार्ध के दृष्टिकोण से बात करें तो जो दिन होता है वह 13 घंटा 20 मिनट का होता है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में रात जो होती है वह होती है 10 घंटा 40 मिनट की। तो हम ये कह सकते हैं कि जब सूर्य का उत्तरायण हो जाता है, इसे जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, अर्थात 21 जून को, जब 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी चमकती हैं, उस दिन उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। और वहां पे जो दिन की अवधि होती है वो 13 घंटा 20 मिनट की होती है, जबकि जो रात की अवधि होती है वह 10 घंटे 40 मिनट की होती है। और उसी के ठीक विपरीत दक्षिण गोलार्ध में जाते हैं, उस समय देखिए मकर रेखा पे सूर्य क्या होता है, मकर रेखा तिरछी पड़ती है। तो देखिए यहां पे क्या होगा, यहां पे कंडीशन
यहाँ पे देखिए, दिन क्या है छोटी और रात क्या है बड़ी, माने उसका ठीक विपरीत। दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटा रात बड़ी, जबकि उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में क्या है, दिन बड़ा और रात छोटा। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, 10 घंटे 40 मिनट का दिन और 13 घंटे 20 मिनट की रात, तो ठीक इसके विपरीत होता है। इस समय कहते हैं ग्रीष्म अयनांत या उत्तरी अयनांत के नाम से भी हम इसको बुलाते हैं या कहते हैं। तो क्या होता है, इस दिन सूर्य किरणें कर्क रेखा पर सीधी चमकती हैं। अब आगे आते हैं हम लोग, फिर ये हो गया 21 जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर पहुंचते हैं, फिर 23 सितंबर को सूर्य किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी चमकती हैं, जिसलिए दोनों गोलार्धों में दिन और रात की अवधि बराबर होती है। दोनों गोलार्ध में दिन और रात क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। इसे कहते हैं शरद विषु। क्या कहते हैं, शरद विषु। ऊपर क्या कहते थे, वसंत विषु। अब क्या होता है, सूर्य यहां से कहां जाता है, दक्षिणी तरफ जाना शुरू होता है। क्या होता है, दक्षिण की तरफ जाता है। जब सूर्य दक्षिण की तरफ बढ़ने लगता है तो देखिए, सितंबर हो गया, अक्टूबर, जो अक्टूबर की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा, सूर्य की जो किरणें हैं वो क्या होंगी, भूमध्य रेखा से नीचे दक्षिण तरफ जाएंगी, फिर आगे बढ़ेंगी कहां पहुंचेंगी, ये दिसंबर की तरफ, फिर जब दिसंबर की तरफ आ जाएंगी तो 22 दिसंबर तक पहुंची। अब 22 दिसंबर को सूर्य किरणें कहां चमकेंगी, मकर रेखा पर सीधी चमकेंगी, और जब मकर रेखा पर सीधी चमकेंगी तो क्या होगा, मकर रेखा में देखिए दिन की अवधि बड़ी और रात की अवधि क्या होगी, छोटी। तो उस समय दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पे सबसे बड़ा दिन होगा, 13 घंटा 20 मिनट का दिन होगा, और जो रात होगी वह 10 घंटा 40 मिनट की होगी रात। ठीक इसका उल्टा होगा, हमारे यहाँ उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को, हमारे उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को जो घटनाएं घटती हैं, ठीक उसके विपरीत 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में होती है, दिन बड़ा और रात छोटा। जबकि इसी के सापेक्ष अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे यहाँ उस समय जैसे ग्लोब, हमारे यहाँ क्या होता है, देखिए दिन छोटा और रात की अवधि क्या होती है, बड़ी होती है। तो अगर उत्तरी गोलार्ध में देखेंगे ठंडी के समय 22 दिसंबर के समय क्या होता है, हमारे यहाँ दिन जो होती है वो सबसे छोटी होती है, वो होती है 13 घंटा 20 मिनट की दिन होती है, सॉरी दिन छोटी होती है 10 घंटा 40 मिनट की, और रात होती है 13 घंटा 20 मिनट की। तो हम ये कह सकते हैं कि जब सूर्य मकर रेखा पर सीधी चमकती है तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को 13 घंटे 20 मिनट का, जबकि रात जो होती है वो सबसे छोटी होती है दक्षिणी गोलार्ध की, कितनी, 10 घंटे 40 मिनट की। जबकि ठीक इसके उल्टा उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि छोटी 10 घंटे 40 मिनट, जबकि रात की अवधि 13 घंटे 20 मिनट। माने जब दक्षिणी गोलार्ध पे दिन बड़ा तो उत्तरी गोलार्ध पे रात बड़ी, मतलब यहाँ पे दिन बड़ा या रात बड़ी, यहाँ दिन छोटा या रात छोटी, इस तरह से दोनों का एक दूसरे के विपरीत है। फिर आ जाता है मार्च, अप्रैल, मई, जून। इसी प्रकार पृथ्वी क्या होता है, एक वर्ष तक, पूरे वर्ष तक इस तरह से चक्कर लगाता रहता है। जब सूर्य किरणें जिस स्थान पर सीधी चमकती हैं वहां गर्मी की ऋतु होती है, जहां तिरछी पड़ती है वहां ठंडी की ऋतु होती है। अब यहाँ पे देखने के बाद हम आप बता सकते हैं कि किस समय पृथ्वी की कौन सी ऋतु होगी, और इस ऋतु का आप आसानी से देख लेंगे और समझ भी जाएंगे। ठीक इसी पे भी एक कॉन्सेप्ट और आता है, मैं आपको बता दूं, एक होता है अपसौर, एक होता है उपसौर। तो जो अपसौर होता है, जान लीजिएगा, अपसौर, एक अपसौर होता है, पहले उपसौर, पहले अपसौर आता है, अपसौर ऐसे चलिएगा, अपसौर जो होता है वो 4 जुलाई को होता है। अपसौर समय क्या होता है, अगर उत्तरी गोलार्ध के समक्ष समझेंगे कि अपसौर कहाँ होता है, तो 4 जुलाई को होता है, और 4 जुलाई को हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है, जबकि उस समय पृथ्वी जो होती है सूर्य से काफी दूरी पर होती है। मैं आपको समझा दूं पहले, तो अगर ये समझ में आ गया तो इस डायग्राम को हटा के आपको बता दें, उपसौर अपसौर समझा दें, समझ में आ गया आपको, फिर मैं एक बार पुनः शॉर्टकट में समझा देता हूँ। अच्छा, फिर मैं लास्ट में नोट्स भी लिखवा दूंगा, आप लोग नोट्स भी लिखते चलिएगा। पहले क्या है, ये मार्च, 21 मार्च को दिन और रात बड़ा होता है, सूर्य किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी चमकती हैं, ठीक इसे कहते हैं बसंत विषु। फिर आगे आते हैं 21 जून को, जिस दिन विश्व योगा दिवस मनाया जाता है, उस दिन कर्क रेखा पर सूर्य किरणें सीधी चमकती हैं, उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा जबकि दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटा होता है, दिन 13 घंटे 40 मिनट की, रात 10 घंटे 20 मिनट की होती है। फिर और आगे बढ़ते हैं, अब आता है 23 सितंबर को दिन और रात दोनों की अवधि बराबर होती है, इस दिन होता है शरद विषु। फिर आगे बढ़ते हैं, यहां पर आते हैं, आएगा 22 दिसंबर क्या होता है,
सूर्य किरणें मकर रेखा पर सीधी चमकती हैं और दक्षिण गोलार्ध में उस दिन दिन सबसे बड़ा होता है 13 घंटे 20 मिनट की, जबकि रात होती है 10 घंटे 40 मिनट की। फिर मार्च में इसी प्रकार यह प्रक्रम चलता रहता है। इस समय इसको ग्रीष्म अयनांत या शीत अयनांत कहते हैं, जबकि इसे ग्रीष्म अयनांत या उत्तरी अयनांत कहते हैं। दोनों में ग्रीष्म और शीत शब्द आया, सॉरी, या शीत अयनांत होता है और दक्षिणी अयनांत कहते हैं, दक्षिणी और शीत अयनांत कहते हैं, ठीक है। ये ग्रीष्म अयनांत होता है क्योंकि उस समय हमारे ठंडक पड़ती है, यहाँ पे गर्मी पड़ती है। यह था आपका सूर्य की वार्षिक गतियां जो मैंने बता दिया। अब यहां से आप लोग इस डायग्राम को बना लेंगे, लास्ट में आपको नोट्स भी बोलकर लिखवा दूंगा। अब हम लोग समझ लेते हैं उपसौर अपसौर को। देखिए, मैंने इसके पहले आपको बताया था कि पृथ्वी का जो पथ है सूर्य का चक्कर लगाने का, वो अंडाकार है या दीर्घवृत्ताकार है। अब अगर उसे हमें सूर्य को बनाना होगा, देखिए यहाँ ये हो गई आपकी, मान लीजिए सूर्य की स्थिति हमने बना दिया, यहाँ पे ये यह सूर्य हो गया। अब अगर इनकी ऑर्बिट बना दे, इनका पथ बनाए पृथ्वी का, जो चक्कर लगाने का जो ये पथ है, मान लीजिए इनका पथ है, एक स्थिति यहां होगी पृथ्वी की, एक स्थिति यहां होगी, ये एक स्थिति यहां, एक स्थिति यहां, ठीक है। यहां वाली जो स्थिति होगी यह होगी आपका उपसौर, और यहां पे जो होगी वो होगी अपसौर। यहां इस समय क्या होगी, देखिए यहां पे देखिए दूरी कम है, यहां पे दूरी क्या है, अधिक है। तो जब पृथ्वी सूर्य के जब सबसे नजदीक होती है उसे कहते हैं हम उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं, उपसौर कहते हैं। इस समय जो पृथ्वी से सूर्य की दूरी होती है वह 147.5 मिलियन किलोमीटर होती है, 147.5 मिलियन किलोमीटर होती है, लगभग 14 लाख किलोमीटर की दूरी होती है। एक मिलियन में 14 लाख क्या, इसको इसे मान लीजिए 147.5 मिलियन किलोमीटर होती है। यह दशा किस समय होती है, उस समय क्या होती है, 4 जुलाई, माने जो 4 जुलाई को उपसौर होता है उस समय क्या होता है पृथ्वी, सॉरी उपसौर होता है 3 जनवरी को होता है। क्या होता है, 3 जनवरी को होता है उपसौर। जब 3 जनवरी को उपसौर होता है तो सूर्य पृथ्वी के सबसे नजदीक होने के कारण हमारे यहां सबसे ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती। उसका कारण क्या है कि 3 जनवरी को सूर्य का क्या होता है, दक्षिणायन रहता है। उस समय सूर्य कहाँ होता है, उत्तरायण की तरफ मकर रेखा से किससे छोड़कर आता है, माने यह दक्षिणी गोलार्ध में होता है, इसलिए हमारे दिन तो जो गर्मी होती है वो कम पड़ती है। किंतु सूर्यातप, सूर्य के ज्यादा होने के कारण जो सूर्यातप होता है, सौर्य विकिरण होता है, वह इस समय सबसे ज्यादा प्राप्त होता है। जबकि इसके ठीक विपरीत आएंगे अपसौर में, तो जो अपसौर में होता है वह 152.6 मिलियन किलोमीटर होता है, 152.6 मिलियन किलोमीटर होता है, इसे हम कहते हैं अपसौर। अपसौर इस समय कौन सा दिन होता है, 4 जुलाई को अपसौर होता है, और उपसौर होता है 3 जनवरी को। अगर पृथ्वी की यदि औसत दूरी पूछी जाए तो लगभग 152 ये हो जाएगी आपके, एक सेकंड रुक जाइए, तो जी सही था, ये है 152.6 मिलियन किलोमीटर। तो हमने क्या देखा कि 152.6 किलोमीटर की दूरी सबसे अधिक है, और उस दिन क्या होता है, अपसौर होता है, और जब सूर्य की पृथ्वी नजदीक होती है उसे उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं, उपसौर। उपसौर 3 जनवरी को होता है, जिसमें सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी होती है 147.5 मिलियन किलोमीटर होता है, और जिस दिन अपसौर होता है, अपसौर होता है 4 जुलाई को, जिस समय सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी होती है 152.6 मिलियन किलोमीटर होती है। अगर पृथ्वी की औसत पूछे कि औसत दूरी कितनी होती है, वो होती है आपकी 149.6 मिलियन किलोमीटर, लगभग
150 मिलियन किलोमीटर मान लिया जाए। तो यह थी पृथ्वी की उपसौर और अपसौर की स्थिति। आज हम लोगों ने पढ़ा वार्षिक गति के साथ साथ इसको उपसौर और अपसौर को भी पढ़ लिया। यहां से प्रश्न आ जाते हैं सीधे सीधे। अब हम लोग क्या करते हैं, एक तरफ से मैं आपको नोट्स लिखवाता चल रहा हूं, आप साथ में नोट्स भी लिखते चलिए ताकि समस्याएं आपको ना हो, नोट्स बनाने के लिए झंझट ना हो। एक बार जब मैं पढ़ाता रहूं तो वहां जो महत्वपूर्ण लगे वो आप लिख लिया करिए, लास्ट में मैं आपको नोट्स भी बनवाते चलूंगा। इससे क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर रहेंगे। चलिए हम लोग को जो हेडिंग था, जो पाठ का नाम था, जानते हैं पृथ्वी की गतियां, मिशन ऑफ द अर्थ। अब उसमें लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा पृथ्वी की गतियां। अब लिखते हुए चलिए एक तरफ से आगे हम लोग बढ़ते हैं, लिखेंगे पृथ्वी हमारे सौरमंडल का एक अनोखा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। पृथ्वी का आकार गोलाब है। पृथ्वी का आकार क्या है, गोलाब है। पृथ्वी द्वारा अपनी धुरी पर किए जाने वाली क्रिया या घूमने वाली क्रिया क्या कहलाती है, परिभ्रमण कहलाती है। इसे घूर्णन या दैनिक गति कहते हैं। और यह अपने धुरी पर कितने समय में एक चक्कर लगाती है आप बताइएगा, जिसे हम कहते हैं 24 घंटे, वैसे वास्तव में वह 23 घंटे बताइएगा आप लोग कितना समय में एक चक्कर लगाती है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका उत्तर आप, आंसर। ठीक है, तो पृथ्वी क्या है, अपनी धुरी पर क्या करती है, 24 घंटे में घूम जाती है लगभग में लिखेंगे। अच्छा, अब धुरी पर घूमने के कारण पृथ्वी पर अपकेंद्री बल कार्य करता है। अपकेंद्री बल काम करता है जिसके कारण पृथ्वी की विषुवत रेखा क्षेत्रों में क्या हो जाता है, प्रसार हो जाता है। इसलिए पृथ्वी के विषुवत रेखीय त्रिज्या उसकी ध्रुवीय त्रिज्या से क्या होती है, अधिक होती है। और इसी प्रकार हम ये कह सकते हैं कि विषुवत रेखीय क्षेत्र में क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण जो शक्ति होती है वो कम होती है। जो जो हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं तो क्या होती है, गुरुत्वाकर्षण जो शक्ति होती है वो क्या होती है, लगातार बढ़ती जाती है। यह भी आपके कई परीक्षाओं, बड़े परीक्षाओं प्रश्न पूछ दिया, जैसी होगी आपकी पृथ्वी। तो पृथ्वी की जो दैनिक गति हमने पढ़ लिया, दैनिक गति क्या है, दैनिक गति के भी बाद जब पृथ्वी की भूमध्य रेखा पे क्या होता है, घूमने का, जैसे आपने कुहार का चाक देखा होगा, तो कौन सा काम, प्रसार बल, अपकेंद्री बल काम करता है। इसलिए जो जो क्या करेंगे, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण जो शक्ति होती है वो लगातार बढ़ती जाएगी और ध्रुवों पर सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण शक्ति होगी। अब एक चीज और हमने क्या देखा कि पृथ्वी की त्रिज्या जो होती है, पृथ्वी की विषुवत रेखीय त्रिज्या उसकी ध्रुवीय त्रिज्या से अधिक होती है। ये आगे हम लोग जब कर्क मकर रेखा फिर अच्छे से पढ़ेंगे, फिर मैं या जब ऑप्शनल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि हमें जानते हैं जो विषुवत रेखा की लंबाई, इसकी त्रिज्या जो इसके आर मान ले, और ये ध्रुवीय त्रिज्या जो है इसे हम मान लेते हैं आर वन। तो जो आर होता है वो क्या होता है, आर वन से सदैव बड़ा होता है। इससे एक बात और स्पष्ट होता है कि जब आर आर वन से बड़ा है, माने पृथ्वी की भूमध्य रेखीय त्रिज्या और ध्रुवीय त्रिज्या से बड़ी है, इसका मतलब पृथ्वी पूरी तरह से गोल होकर ऊपर दोनों कोनों में चिपटी है। ठीक है, वो आगे हम लोग जो पढ़ेंगे तो आगे स्पष्ट हो जाएगा कि कितने किलोमीटर, 56 या 54 कितने किलोमीटर का अंतर है, जिस कारण आर आर वन से ज्यादा है, माने विषुवत रेखीय त्रिज्या ध्रुवीय त्रिज्या से अधिक है। आगे लिखिए, आगे लिखते चलिए नोट्स में, फिर लिखेंगे पृथ्वी की धुरी, लेगा पृथ्वी की धुरी, एक्सिस ऑफ द अर्थ, वह काल्पनिक रेखा जिसके चारों ओर पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रतीत होती है, वह पृथ्वी की धुरी कहलाती है। आगे लिखेगा, पृथ्वी की धुरी लंबवत नहीं है अपितु यह लंबवत से 23/1/2 अंश झुकी हुई है। इसलिए पृथ्वी का जो अक्षीय कोण होता है वह पृथ्वी का जो अच्छी कोण होता है वह 23/1/2 अंश है, अर्थात पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 अंश झुकी हुई है। पृथ्वी की धुरी का यही झुकाव अच्छी झुकाव कहलाता है। पृथ्वी का यही झुकाव क्या है, अच्छी झुकाव कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अब मैंने बताया था पृथ्वी का जो अच्छी झुकाव है, जैसे ये पृथ्वी का जो झुकाव अच्छी झुकाव ये लगभग कितना है, ये है 23.5 अंश, लेकिन जो इसका कच्छी झुकाव है वह क्या होता है, यह 90 में 23.5 घट गया, कितना बचता है,
66 अंश, तो कितना है 66 अंश है। चलिए आगे हम लोग लिखते हैं, पृथ्वी की कक्षा, लिखेगा पृथ्वी की कक्षाएं, वह अस्थाई मार्ग जिस पर चलते हुए पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है वह पृथ्वी की कक्षा कहलाती है। क्या कहलाती है? पृथ्वी की कक्षा कहलाती है। अब देखिए यह हो गई हमारी, यह हो गया सूर्य और यह हो गई पृथ्वी। ये क्या होता है? जिस पर यह गति करते हुए चक्कर लगाती है वही क्या होती है? पृथ्वी की कक्षा, जो दीर्घवृत्ताकार या अंडाकार होती है। एक लाइन लिख लीजिएगा, पृथ्वी एक दीर्घवृत्ताकार अथवा अंडाकार कक्षा में चलते हुए सूर्य का के चारों ओर परिक्रमण करती है, जिसे हम वार्षिक गति या परिक्रमण के नाम से भी जानते हैं। अगला पॉइंट इसी में लिखेगा, दीर्घवृत्ताकार कक्षा के कारण पृथ्वी व सूर्य के मध्य दूरी समान नहीं होती, इसलिए उपसौर और अपसौर होता है। जैसा मैंने बता दिया, अपसौर अपसौर की स्थिति 4 जुलाई को आती है, अपसौर की स्थिति 4 जुलाई को आती है, जिस समय सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक दूरी पर होता है। इसमें इसकी जो दूरी होती है 152.6 मिलियन किलोमीटर होती है, तथा दूसरी स्थिति जो होगी वो होगी उपसौर की, अपसौर था उपसौर, उपसौर 3 जनवरी को आता है। इस समय इसमें पृथ्वी की जो होती है दूरी वो 147.2 मिलियन किलोमीटर होती है। आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी व सूर्य के मध्य औसत जो दूरी है वह है 150 मिलियन, अभी मैंने बताया था 149.6, लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है औसत दूरी। पृथ्वी की कक्षा में वह बिंदु जहां पृथ्वी व सूर्य की मध्य न्यूनतम दूरी है वह उपसौर कहलाती है, और जहां पर अधिकतम दूरी है वह क्या कहलाती है? जो न्यूनतम दूरी है उसे हम कहते हैं उपसौर, अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे लिखिएगा, पृथ्वी हर वर्ष अपना एक चक्कर जब पूरा करती है तो उसका जो 6 घंटे का समय बचता है वह 3 वर्षों के बाद चौथे वर्ष में 6×24 घंटा हो जाता है, इससे एक दिन बढ़ जाता है और फरवरी 29 की हो जाती है। आगे लिखना है, एक लिखाना है खगोल की इकाई, इस इकाई का उपयोग सौर मंडल में खगोल पिंडों के मध्य दूरी दर्शाने के लिए किया जाता है। एक खगोलीय इकाई का मान पृथ्वी या सूर्य के मध्य की औसत दूरी के बराबर होती है। एक AU बराबर, एक AU क्या होगा? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक एस्ट्रोनॉमिकल इसे AU से प्रदर्शित करते हैं, तो यह हो जाएगा लगभग 150 मिलियन किलोमीटर लगभग होगा। इसे हम क्या कहते हैं? खगोल की इकाई। आगे लिखिएगा, पृथ्वी और सूर्य के मध्य बदलती दूरी के कारण उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध के मुकाबले अधिक अनुकूलन परिस्थितियां का विकास होता है। क्या लिखा हम लोगों ने? पृथ्वी और सूर्य के मध्य बदलती दूरी के कारण उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध के मुकाबले अनुकूलन मौसम परिस्थितियां का विकास होता है। और हम आप जानते हैं उत्तरी गोलार्ध में स्थल मंडल की प्रधानता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जल मंडल की प्रधानता है। 3 जनवरी के आसपास उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु व दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। इसी समय पृथ्वी भी अपनी उपसौर अवस्था में भी आ जाती है, जिसके कारण पृथ्वी पर प्राप्त होने वाला सौर विकिरण की मात्रा बढ़ जाती है। बेशक उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होने के कारण उसका कुछ हिस्सा कम प्राप्त होता है, जबकि इसकी अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में सौर विकिरण ज्यादा प्राप्त होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इस समय पृथ्वी पर सौर विकिरण सबसे ज्यादा मात्रा में प्राप्त होती है। और यह उत्तरी गोलार्ध में कम प्रतीत होता है शीत ऋतु होने के कारण, जबकि यही निकटता दक्षिणी गोलार्ध में क्या करता है? अधिक क्या करता है? ग्रीष्म ऋतु की तीव्रता और अधिक कर देता है। अब आगे लिखेंगे, यह और उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध में जो उपसौर और अपसौर की स्थिति है, यह क्या करता है? जिस समय 4 जुलाई के समय
उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु तथा दक्षिण गोलार्ध में शीत ऋतु पाई जाती है। इसी समय पृथ्वी अपनी उपसौर अवस्था में आ जाती है, जिसके कारण पृथ्वी पर प्राप्त होने जिसके कारण पृथ्वी पर प्राप्त होने वाले सौर विकिरण की मात्रा कम प्राप्त होती है। इस समय कम हुए सौर विकिरण के कारण उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु की तीव्रता कम हो जाती है, जबकि दक्षिण गोलार्ध में शीत ऋतु की तीव्रता बढ़ जाती है। यह चेंजेस लगभग 7% कम या 7% ज्यादा होता है। यह था अभी तक का महत्वपूर्ण बिंदु। आगे ही डालेंगे पृथ्वी द्वारा की जाने वाली गतियां। पृथ्वी द्वारा की जाने वाली गतियां, मोशंस ऑफ द अर्थ, उसमें लिखेंगे पहले रोटेशन, परिभ्रमण या दैनिक गति। दूसरी डालेंगे रेवुलेशन, परिक्रमण, परिक्रमण या वार्षिक गति। तो पहले डालेंगे पहला परिभ्रमण। पृथ्वी द्वारा अपनी धुरी के चारों ओर एक चक्कर एक लगाने को वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर लगाने का, अपनी धुरी पर एक चक्कर घूमने की जो क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, परिभ्रमण कहते हैं। यह 23 घंटे 56 मिनट 4 घंटे का समय लेती है, जिसे हम लगभग 24 घंटे कहते हैं। अब आते हैं परिभ्रमण से क्या क्या प्रभाव होता है, माने पृथ्वी की दैनिक गति से क्या क्या प्रभाव होगा। तो परिभ्रमण के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात का होना होता है। परिभ्रमण के कारण ही पृथ्वी की सतह पर कोरियालिस बल उत्पन्न होते हैं, जो कि वस्तुओं को उत्तरी गोलार्ध में जबकि जो कि हवाओं को उत्तरी गोलार्ध में दाएं तरफ तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ मोड़ देती हैं, इसे हम कोरियालिस बल के नाम से जानते हैं या इसे हम कोरियालिस बल कहते हैं। कोरियालिस बल का मान विषुवत रेखा पर शून्य हो जाता है। इसमें डायग्राम बना लेंगे छोटा सा, साथ में डायग्राम बनाते हुए चलिए नोट्स लिख रहे हैं। तो जो कोरियालिस बल होता है, ये क्या होता है, मतलब हवाएं उत्तरी गोलार्ध में अपने दाएं तरफ घूम जाती हैं। आगे हम लोग जब पढ़ेंगे, देखिए ये हमारी पृथ्वी हो जाएगी, ये बीच में जो ये होगा 0 डिग्री, ये 0 डिग्री का आता है जो भूमध्य रेखा कहते हैं। इसे जब हम लोग हवाएं पढ़ेंगे, वायुदाब पढ़ेंगे, इसे कहते हैं डोलड्रम या शांत पेटी या विषुवत रेखी पेटी। यहाँ पे निम्न वायुदाब बन जाता है, हवा हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलता है। हवाएं चलती देखिए सीधी, लेकिन क्या होता है, वास्तव में घूम जाती हैं दाएं, आती सीधी है लेकिन घूम जाती किधर, दाएं, आती सीधी है लेकिन घूम जाती किधर, दाएं। हवाएं उत्तरी गोलार्ध में अपने दाएं घूम जाती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपने चलना होता है यहां, लेकिन चल जाती हैं यहां। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं, इसे कहते हैं कोरियालिस बल। क्या होता है, हवाएं चल उत्तरी गोलार्ध की तरफ, देखिए आना था सीधा लेकिन चली गई दाएं, ये दाएं इधर देखिए, तो उत्तरी गोलार्ध में दाएं और दक्षिण गोलार्ध में बाएं, इसे ही कहते हैं कोरियालिस फोर्स या कोरियालिस बल कहते हैं। विषुवत रेखा से दूरी बढ़ने के साथ साथ कोरियालिस बल का भी मान बढ़ता जाता है। ध्रुवों पर यह बल सर्वाधिक होता है। अभी हम लोगों ने क्या देखा कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर गुरुत्वाकर्षण का मान बढ़ता है, और साथ ही अब कोरियालिस बल का भी मान क्या होता है, बढ़ता जाता है, जो जो हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, अब हवाओं की गति बढ़ने के साथ साथ कोरियालिस बल का मान भी बढ़ता जाता है, ठीक है। अब पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूर्व जाती है, सीधी सी बात है, पश्चिम से पूर्व गई, हवा यहां ना था, कहां चली गई, यहां। जब हवा पढ़ेंगे हम लोग तो इसको और बेहतर से समझाएंगे हम। अब आते हैं अगली घड़ी डालेंगे परिक्रमण, रिलेशन, रेवुलेशन। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर की जाने वाली वृत्ताकार गति परिक्रमण कहलाती है। पृथ्वी को एक परिक्रमण पूरा करने में लगभग 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ अपना चक्कर लगाते हुए सूर्य का चक्कर पूरा करती है, इसलिए सूर्योदय पूर्व दिशा में और सूर्यास्त पश्चिम दिशा में होते हैं। पृथ्वी के परिक्रमण का प्रभाव, पृथ्वी पर ऋतुओं का निर्माण तथा ध्रुवीय क्षेत्रों में
छह महीने के दिन और छह महीने का जो रात होती है वह क्या किस कारण होती है? पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण ही होती है। अब अगला पॉइंट हम लोग लिखेंगे, पृथ्वी के पृथ्वी का परिक्रमण तथा इसका अक्षीय झुकाव भी क्या है, इसके लिए जिम्मेदार है कि छह महीने की दिन और छह महीने का रात होना कहां पे? ध्रुवों का। अभी डायग्राम फिर से बना के हम आपको समझा देंगे। अब आते हैं विषुवत किसे कहते हैं। जब जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं उस स्थिति को हम विषुवत कहते हैं। यह दो बार होती है, एक 21 मार्च को, दूसरी 23 सितंबर को। तो आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा, 21 मार्च को जब सूर्य किरणें कर्क रेखा पे सीधी चमकती हैं उसे कौन सा विषुवत कहते हैं, और जब 23 सितंबर को सूर्य किरणें फिर भूमध्य रेखा पे चमकती हैं, सॉरी 21 मार्च को भूमध्य रेखा पे कौन सा विषुवत कहते हैं, और 23 सितंबर को जब सूर्य किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी चमकती हैं उसे किस विषुवत के नाम से जानते हैं। आगे लिखिएगा, और उस समय उस दिन दोनों गोलार्धों में 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात होती है। अब अयनांत लिखिएगा, अयनांत वर्ष के वे दिन जब सूर्य की किरणें कर्क अथवा मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं या सीधी चमकती हैं या लंबवत होती है उस वह दिन अयनांत कहलाता है। अगर जिस दिन उत्तरी गोलार्ध के मकर रेखा पे सबसे बड़ा दिन होगा अर्थात 21 जून को, उस दिन उत्तरी अयनांत कहलाएगा। जिस दिन दक्षिणी गोलार्ध के मकर रेखा पे सूर्य किरणें सीधी पड़ेंगी या लंबवत पड़ेंगी उस दिन बड़ा होगा, उस दिन क्या होगा, दक्षिणी अयनांत होगा या उसे दक्षिणी अयनांत कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध को ग्रीष्म अयनांत और दक्षिणी गोलार्ध को शीत अयनांत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये था आज का हम लोग का पूरा टॉपिक, जो मैंने जितना पढ़ाया था उतना आपको समझा दिया। अब मैं आपको यहां से 2 से 3 प्रश्न दूंगा और मैं उम्मीद करूंगा आप इसका जवाब भी देंगे। पहला प्रश्न है, दिन रात के होने का सबसे प्रमुख कारण क्या है, पृथ्वी पर दिन रात के होने का सबसे प्रमुख कारण क्या है। फिर आगे देखेंगे, पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन किस कारण से होते हैं, पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन किन कारणों की वजह से होते हैं। चलिए बस इतना आपके लिए जात हो मैंने जो प्रश्न बनाया। अब आगे जो हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे अब कल पढ़ेंगे, कल मैं ये प्रयास करूंगा सबसे पहले पुनः आपको इसी क्रम में मैं अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा भी पढ़ा दूं, क्योंकि यहाँ जो आज पढ़ाने में समस्या उत्पन्न मुझे लगा हुई है, क्योंकि मैं इसके पहले वीडियो दे चुका हूँ आपको अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा का, उसी को मैं आज आगे पुनः कर दूंगा। और साथ ही साथ आप सभी लोग आप पूरी नोट्स बना लिएगा, इसी क्रम में मैं सबसे पहले क्या करूंगा ज्योग्राफिक थ्योरी को पूरा समझाऊंगा, उसके बाद पूरा मैं नोट्स इस तरह मैं बोल के लिखवा दूंगा, आप पोस्ट कर करके या यूट्यूब के सेटिंग में जाके स्पीड को पॉइंट कम कर लीजिएगा, उसके बाद धीरे धीरे सुनते हुए आप पूरी नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा। और ये वीडियो आपको अगर बेहतर लगा या पसंद आएगा तो और साथियों तक जरूर पहुंचा दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अगर इच्छा होगी आपको तो लाइक भी कर दीजिएगा। आपको आगामी परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको पूरी ज्योग्राफी पूरा खत्म करूंगा। आज ये पहला वीडियो था इसलिए थोड़ी समस्या उत्पन्न हुई, लेकिन धीरे धीरे सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और हम आपके लिए लगातार वीडियोज लाएंगे और इंटरेस्टिंग बनाते जाएंगे भूगोल को। लेकिन अभी क्या है, हम इसे ऑप्शनल के लिए नहीं पढ़ रहे, इसलिए कुछ चीजें मुझे छोड़ते हुए चलना पड़ रहा है, और जब मैं इसे वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ाना शुरू करूंगा तो और इसे ब्रॉड करूंगा और एक एक टॉपिक कई कई दिन चलेंगे तो पढ़ने में और मजा आएगा। और यह सब्जेक्ट ऐसा है जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा रुझान बढ़ता जाएगा। आप सभी साथियों को मेरी तरफ से ढेर शुभकामनाएं, नोट्स लिखते चलिए और हमारे साथ जुड़े रहिए और लोगों तक पहुंचाते रहिए, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर सबों तक पहुंचा देंगे तो, और इसी के साथ सभी साथियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।